डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर टू पार्ट फोर है। इसमें हम बात करेंगे पर परागण के बारे में। तो इससे पहली वीडियो में आपको स्व परागण समझाया गया। इसमें पर परागण क्या होता है? किसी पुष्प के पराग कणों का उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना पर परागण कहलाता है। अर्थात इस क्रिया में एक पुष्प के पराग कण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। हम सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि पर परागण क्रिया में एक ही जाति के दो पौधे भाग लेते हैं, चाहे वो एकलिंगी हों या द्विलिंगी। पर परागण की कुछ विधियां। पर परागण के लिए कुछ विशेष साधनों की यानी माध्यमों की आवश्यकता होती है और इनके आधार पर परागण तीन प्रकार का होता है। नंबर एक वायु परागण, सेकंड जंतु परागण, थर्ड जल परागण। वायु परागण पुष्पों में वायु द्वारा होने वाला परागण, यानी वायु के माध्यम से होने वाला पर परागण वायु परागण कहलाता है। और ऐसे पुष्पों को हम वायु परागित पुष्प कहते हैं। अर्थात जिन पुष्पों में वायु परागण होता है वे पुष्प वायु परागित पुष्प कहलाते हैं। और इन पुष्पों में कुछ विशेषताएं होती हैं जो अन्य पुष्पों से इनको अलग करती हैं। जैसे नंबर एक, ऐसे पुष्प छोटे होते हैं जिससे वायु से आसानी से उड़ सकें, आकर्षण रहित होते हैं, अर्थात ये रंगीन चटकीले भड़कीले नहीं होते, इनमें रंग गंध और मकरंद नहीं होता। सेकंड पॉइंट, ऐसे पुष्प अर्थात वायु परागित पुष्प प्राय एकलिंगी होते हैं और पत्तियों के ऊपरी भाग से निकलते हैं। जैसे हम मक्का में देखते हैं, मक्का में नर पुष्प ऊपर बाल पर, यानी जो पौधों के ऊपर बाल पाई जाती है वहाँ पर नर पुष्प होते हैं और मादा पुष्प पत्तियों के शीर्ष में शाखाओं से जो निकलते हैं, जिनमें बालों जैसी रचना होती है वहाँ पर मादा पुष्प होते हैं, तो इस तरह से ये शीर्ष पर निकलते हैं अलग अलग। थर्ड पॉइंट, इन पुष्पों में परागकण अधिक मात्रा में बनते हैं, यानी इनमें जो परागकण बनते हैं अर्थात नर पुष्प में बनने वाले परागकण बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, क्योंकि ये वायु द्वारा अधिकांशतः इधर उधर गिरकर नष्ट हो जाते हैं। चौथा पॉइंट, इनके परागकण छोटे शुष्क और हल्के होते हैं, यानी आकार में छोटे होते हैं, शुष्क सूखे होते हैं और हल्के होते हैं, जिससे आसानी से वायु के माध्यम से उड़ सकें। पांचवा पॉइंट, इन पुष्पों के पुंकेसरों के पुतंतु लंबे व पतले होते हैं और पुष्प से बाहर निकले रहते हैं, जैसे पॉपुलर में मक्का में। अगला पॉइंट, ऐसे पुष्पों का वर्तिकाग्र लंबा रोमयुक्त एवं पुष्प से बाहर निकला हुआ होता है। अर्थात जैसे इनके जो मादा पुष्प होते हैं उनका वर्तिकाग्र लंबा होता है, रोम युक्त अर्थात बाल जैसी संरचनाओं युक्त, जिससे उनमें परागकण उलझ सकें, और पुष्प से बाहर निकला हुआ होता है। जैसे रोम युक्त की बात करते हैं हम, तो मक्का में रोम युक्त अर्थात बालों जैसी संरचनाओं का मादा पुष्प में होता है, और चिपचिपा पॉपुलर में, अगर पॉपुलर के मादा पुष्प को देखते हैं तो उसका वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है, जिससे वो उसके आने वाले परागकण चिपक जाएं आसानी से। अब बात करते हैं मक्का में परागण किस प्रकार होता है, यानी मक्का में वायु परागण किस प्रकार से होता है। तो मक्का के पौधे में आपने सभी ने देखा है कि नर पुष्प पौधे के शीर्ष पर होता है, यानी सबसे ऊपरी शिखर पर जो बाल टाइप होती है वहाँ पर नर पुष्प होता है, जिसे हम टसल कहते हैं, यानी
जीव विज्ञान की भाषा में हम उसे टसल कहते हैं, तथा मादा पुष्प पत्ती के कक्ष यानी पत्ती की शाखा के निकट से निकलता है जिसे हम कौव कहते हैं, और मादा पुष्पक्रम स्थूल मंजरी होता है। यानी आप प्रैक्टिकल में पुष्पकुल का वर्णन करेंगे आगे, तो जब देखेंगे कि पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है, तो मादा मक्का का पुष्पक्रम स्थूल मंजरी होता है, जो पृथुपर्ण अर्थात हम कह सकते हैं पत्ती जैसी संरचना से ढका रहता है। आपने देखा होगा मादा पुष्प अर्थात जहाँ पर भुटिया मक्का की बनती है वहाँ पर वो पूरी पत्तियों के एक आवरण से ढकी होती है, जिसे हम पृथुपर्ण कहते हैं। मादा पुष्पों में रेशमी धागे जैसे लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर लंबे वर्तिका होते हैं, जो पुष्प से बाहर निकले हुए होते हैं और हवा में लटके रहते हैं। इनके नर पुष्प छोटे होते हैं और इनके पुंकेसरों के परागकोश में, यानी आपने देखा होगा छोटे छोटे खंड बने होते हैं उसमें, और इनमें परागकोश होते हैं और एक परागकोश में असंख्य महीन पराग कण भरे होते हैं। जब पराग कोश फटता है तो वहाँ से पराग कण निकलकर वायु के माध्यम से इधर उधर बिखर जाते हैं, जिनमें से कुछ पराग कण मादा पुष्प के वर्तिकाग्र अर्थात उन बालों जैसी संरचनाओं पर पहुँच जाते हैं और पराग कण की परागण की क्रिया संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से परागकण परागण क्रिया में नष्ट हो जाते हैं, यानी इधर उधर बिखरते हैं, कुछ ज़मीन पर पत्तों पर इधर उधर गिरते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, और जो परागकण केवल बालों जैसी रचना में पहुंचते हैं वही परागण क्रिया में सहायक होते हैं, अर्थात परागण क्रिया संपन्न करते हैं। धन्यवाद।